सरिस्का अभयारण्य से निकला टाइगर एसटी 2303 करीब 5 दिन पहले भिवाड़ी के खुशखेड़ा में किसान रघुवीर को घायल करने के बाद हरियाणा के भटसाना और खरखड़ा गांव से वापस लौटकर अब फिर से कोटकासिम क्षेत्र के बूढ़ी बावल गांव में पहुंच गया है। सोमवार सुबह बूढ़ी बावल में एक किसान के द्वारा उसकी वीडियो बनाकर वायरल किया गया है। वन विभाग की टीम को भी सूचना दे दी गई है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची लेकिन बाघ के परगवार नहीं मिले। सोमवार को दिन भर बाघ को लेकर चर्चाओं का दौर गर्म रहा तो वहीं देर शाम करीब 7 बजे बाघ को दोबारा से साहबी नदी क्षेत्र में बूढ़ी बावल के नजदीक देखा गया। कार से रास्ते में जा रहे कुछ लोगों ने उसकी वीडियो बनाई और उसे वायरल कर दिया। इसको लेकर कोटकासिम सहित खुशकिला क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है लेकिन काफी प्रयास और जद्दोजहद के बाद भी वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ नहीं पाई है। भटसाना गांव में भी बाघ ने हमला कर 2 वन कर्मियों को घायल कर दिया था। बाघ पकड़ने के लिए वन विभाग ने एक किसान की 5 किला सरसों की फसल के खेत को 50,000 रुपए प्रति किला के हिसाब से देना तय किया था। किसान के सरसों के खेत में जेसीबी चलाकर बाघ को बाहर निकालने और पकड़ने के प्रयास किए लेकिन वहां भी प्रशासन फेल रहा। अब प्रशासन की लापरवाही इंसानी जिंदगी और बाघ के जीवन पर भारी पड़ रही है। वन विभाग के कर्मचारी सुखबीर ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर बूढ़ी बावल में आकर बाघ के पगमार्क देखे गए थे लेकिन वहां पगमार्क नहीं मिले। जो वीडियो वायरल हो रही है वो लोकेशन के हिसाब से सही है। रात को जाने के कारण सोमवार को बाघ को नहीं ढूंढ पाए। मंगलवार सुबह कोटकासिम सहित बूढ़ी बावल क्षेत्र में बाघ के पगमार्क ढूंढे जाएंगे और अगर मिलते हैं तो उसे पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। बाघ के द्वारा बूढ़ी बावल क्षेत्र में फुहारों की लाइन बदल रहे किसान रघुवीर को घायल करने के बाद किसानों में बाघ को लेकर भय है। बाघ के हरियाणा में जाने के बाद यहां के किसानों ने राहत की सांस ली थी लेकिन दोबारा से बाघ को बूढ़ी बावल क्षेत्र में देखे जाने के बाद किसानों में दोबारा से भय पैदा हो गया है जिसे किसान खेतों में जाने से भी कतरा रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं।